नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भवनदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज मैं लेके आया हूँ एक अद्भुत वीडियो आपके लिए, जो कि आपके स्ट्रेस को, यानी कि आपकी चिंताओं को और डिप्रेशन को कर देगा बिल्कुल दूर आपसे। 10 टिप्स, 10 पावर टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों, टिप नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही सारे सटीक और कारगर उपाय हैं। इनको करने के बाद आप पाएंगे आप किसी प्रकार की चिंता से बाहर हैं। तो दोस्तों, पहला, ऑलवेज बी बिजी। देखिए, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए, वह बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यस्त होंगे तो आपके पास फालतू चिंताएं वैसे भी नहीं आएंगी और आपका काम भी कंप्लीट होगा। नंबर 2, हैव अ टारगेट और अ गोल इन द लाइफ। आपको देखिए, दो तरह के हमारे गोल्स होते हैं लाइफ में, कभी शॉर्ट टर्म कभी लॉन्ग टर्म। तो हमारे को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को फॉलो करना होता है, तो उनको आप फॉलो करने में अपना ध्यान लगाइए और उन गोल्स के पीछे पड़े रहिए। तो इससे आप पाएंगे कि आप काफ़ी हद तक जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, जिससे स्ट्रेस जो है आपसे दूर होता जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिकली। टिप नंबर 3, थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव। ये बेसिक सूत्र है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी वही अच्छा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिविटी आती है या अखबारों में जो नेगेटिविटी आती है उससे दूर रहें दोस्तों। ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अगली टिप लेने जा रहा हूँ। टिप नंबर 4, फोकस द सॉल्यूशन। यानी कि आपको प्रॉब्लम को नहीं फोकस करना है, आपको प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है ना उसको पकड़ना है, उसको फोकस करना है। जब आप उसको फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन को फोकस में लाएंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। उससे भी आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। अगला उपाय या अगली रेमेडी, स्टे क्लोज टू नेचर। आपको दोस्तों मेरी एक ये सुझाव मेरा कि नेचर के किसी भी बहाने से जितना हो सके क्लोज रहिए, और कुछ नहीं 10 मिनट 5 मिनट गमलों को पानी दे लीजिए, और कुछ नहीं हवा चल रही है 5 मिनट थोड़ी सी अच्छी हवा का आनंद लीजिए, पेड़ों को जाते जाते लहराते हुए देख लीजिए। इस तरह से 5 या 10 मिनट की आपकी जो नेचर के साथ दोस्ती है वो आपको काफ़ी किसी भी हद के डिप्रेशन से बाहर ला सकती है दोस्तों। नेचर के मित्र बनिए, यानी बी फ्रेंडली टू नेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला उपाय नंबर 6, ऑलवेज बी एंथुजियास्ट। अपने आप को हमेशा जोश में रखें, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने हारना नहीं है। बस ये बात ध्यान रखनी है, जोश में रखना है आपको। ऑलवेज बी एंथुजियास्ट, आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आप रोके नहीं जा सकते, ये मान के चलिएगा जीवन में। आपने रुकना नहीं है, बस अगर आप एंथुजियास्ट हैं, अगर आप में जोश है तो आपके आगे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो ही नहीं सकती दोस्तों। इसके साथ एक छोटी सी कहानी और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बड़ी छोटी सी कहानी है। तो आप सोचिए ना, मान लीजिए एक बहुत बड़ा लकड़ी का पेड़ जो है वो गिरा हुआ है, ठीक है, पटरियों के ऊपर। अब मान लो एक ट्रेन आ रही है 10 की स्पीड पे, तो आपको क्या लगता है वो ट्रेन जो है वो काट पाएगी उस पेड़ को? बिल्कुल नहीं काट पाएगी। और अगर वही ट्रेन तुरंत जो है कह लीजिए 150 की गति से आ रही होगी, तो मेरे ख्याल से वो उस पेड़ को उड़ा देगी या काट देगी या जो भी नतीजा होगा होगा। तो वो जो पेड़ है दोस्तों वो प्रॉब्लम है, और वो जो ट्रेन है वो गाड़ी है, वो आप है दोस्तों। आपको उसी तरह से अपने आप को, अपनी जो गति है, अपना जो जोश है, उसे ख़त्म नहीं होने देना जोश। तो इसको फॉलो कीजिए, बी एंथुजियास्ट दोस्तों। उसके बाद एक और रेमेडी, डू सम एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम कीजिए, थोड़ा बहुत व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और कुछ नहीं, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुली हवा के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमरे में व्यायाम या जिम भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा भी लगा दें तो बहुत होगा। अगला दोस्तों, गो फॉर सम पिकनिक या फिर आई वुड से सम आउटिंग। उसी आउटिंग के लिए कोई छोटा मोटा टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा हो ही, उससे भी कभी और मन हल्का हो जाता है, और दोस्तों आप पाएंगे कि आपका मूड जो है वो चेंज हो गया और आप फिर से काम करने के मूड में आ गए। तो काम से अपना मूड हटाना नहीं है, काम को करना है, क्योंकि काम आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी दोस्तों। नंबर 9, हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। दोस्तों अक्सर मैं बोलता हूँ और हर व्यक्ति को ये बात बोलता हूँ
कि प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी हो उसको बस एक स्माइल के साथ देखिए, और जो मैंने अभी आपको 10 पावर टिप्स मैं आज देने जा रहा हूँ इनको फॉलो कीजिए, आप देखिए किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर कोई भी दुख और चिंता आपको घेर नहीं सकती दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, इसको करने के बाद मुझे पता है इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद आप जो है अपनी मनोस्थिति या बुरी मेंटल स्टेट से आप बुरी तरह से आप जो इससे परेशान है उससे बाहर आ जाएंगे। और बाहर आइए दोस्तों और लड़िए, आपका खड़ा होना और लड़ना और जीतना बहुत ज़रूरी है और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अंतिम टिप देने जा रहा हूँ, डू टेक रेस्ट प्रॉपरली एंड हैव अ डीप स्लीप। जितना हो सके आराम भी दिन में कीजिए, आराम प्रॉपरली कीजिए और नींद जो है अपनी गहरी रखिए, जिससे आपके ब्रेन को ताकत मिले, आपका ब्रेन जो है शांत हो। आपका ब्रेन जब शांत होगा तो बहुत अच्छे डिसीजन लेगा और आपको मदद करेगा कहीं ना कहीं आप जो है लाइफ में प्रोग्रेसिव हो सके। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आज 10 पावर टिप्स, जिनको फॉलो करने के बाद डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता आपके आसपास नहीं रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आगे भी इस तरह के कई वीडियोस दूंगा जिनसे आपका जीवन जो है उस या फिर उसका ट्रैक जो है चेंज हो जाएगा। दोस्तों बने रहिए डॉक्टर भवदीप भाटिया टॉक शो के साथ, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।